सो गाइस, ये है रियलमी का 9 प्रो प्लस और इसमें जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। ऐसे हम क्या करने वाले हैं, ऐसे हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, अपडेट में क्या क्या है। सो अबाउट डिवाइस पे चलते हैं। ये है अपडेट, 450 MB का दिखा रहा है। वी अपडेट पर करते हैं क्लिक। तो ये अपडेट है 3.15 करके, और दिस वर्जन में चलते हैं। देख सकते हैं सिक्योरिटी और सिस्टम का अपडेट है, जो कि बेसिक अपडेट लग रहा है। इंटीग्रेट द नवंबर 2013 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैथ टू एनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी और सिस्टम में है इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, जो कि बेसिक सा अपडेट है, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम का हर महीने आता ही है। तो वो अपडेट है, जैसे मैं इस वीडियो में हम अपडेट करेंगे और साथ ही हम देखेंगे भाई कुछ टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बेसिक सी फ़ोन जो किस तरह चलने वाला है। इंटरफेस आपको एक बार चेक करा देता हूँ, कुछ तरह का इंटरफेस है, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। और ऊपर से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाता ही है। खैर, इंटरफेस में अभी तक कुछ चेंजेस नहीं होगा जब तक कि इसमें एंड्रॉयड का अपडेट नहीं आता, तो अपडेट हम अभी करेंगे। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अभी जो हमने यहाँ पर अपने फ़ोन की डिस्प्ले भी चेंज कराई है, जो कि हमने जेन्युइन डिस्प्ले रियलमी के सर्विस सेंटर से डलाई है, जो कि सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है। तो डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें प्राइस वगैरह सारी चीज़ें कवर की गई है। सो फटाफट से अब जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, चलते हैं सेटिंग पे, अबाउट डिवाइस में चलते हैं, वी अपडेट पर करते हैं क्लिक, और भाई डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर करते हैं क्लिक, कर देते हैं क्लिक। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम वाईफाई कवर करने वाले हैं, जो कि जियो फाइबर है। तो 1 MB के समथिंग, 3-4 MB के समथिंग यहाँ पर जो स्पीड आ रही है, तो इसमें कितना टाइम यहाँ पर लेगा, 4-5 हो रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। सो डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 2 मिनट के समथिंग लगे। स्पीड की अगर बात करें, 3.7 MBPS के समथिंग अभी जो स्पीड आ रही है, और अभी फिलहाल जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में जो काफ़ी टाइम लगता है, डाउनलोडिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। अगर 5G से करते हैं मोबाइल गेम, तो ये 500 MB कुछ ही सेकंड में यहाँ पर जो डाउनलोड हो जाते हैं। वहीं एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में यहाँ पर 2 से 3 मिनट लग सकती है। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा, 99.3%। लेट्स सी, अब देखो 11 हो चुके हैं, पूरे 3 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। फिलहाल जो वेरीफाइंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। अभी देख सकते हैं 4:11 है, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा इसमें। सो गाइस, वेरीफाइंग प्रोसेस जो 100% हो चुका है, अब जाके जो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी तरह कोई डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा, बैकअप रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं किसी तरह की। सिंपली इंस्टॉल नाउ पे कर देते हैं क्लिक, और भाई वेरीफाइंग हो रहा है। अभी क्या होगा, डिवाइस हमारा जो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, तो कोई भी बटन आपने छेड़ा नहीं, ना पावर बटन ना वॉल्यूम बटन, जो प्रोसेस हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली होने दें और डिवाइस रेडी हो जाएगा उसी मिनट में। तो देखते हैं, तो डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है, रियल में आ चुका है। अभी जो प्रोसेस हो रहा है उसको होने दें, जस्ट वेट करें। इसमें 2 मिनट के समथिंग लग सकते हैं या 3 मिनट के समथिंग। सो गाइस, हमारा फ़ोन जो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। जैसे ही आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो, तो तुरंत ही हैवी यूज़ करना स्टार्ट ना करें। फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ही गेमिंग वगैरह या फिर मूवीज़ वगैरह जो भी वॉच करना उसको करना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है। सो एक बार आपको चेक करा देता हूँ, सेटिंग पे चलते हैं, अबाउट डिवाइस पे, वही देख सकते हैं ऑफिशियल वर्जन 3.15 करके वर्जन अप टू डेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हमारा यहाँ पर हो चुका है, तो इंटरफेस तो ऑलमोस्ट पहले जैसा है, इंटरफेस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही एंड्रॉयड का न्यू अपडेट आएगा, एंड्रॉयड 14 का आएगा जो भी, तो उसमें न्यू अपडेट, उसमें जो न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंटरफेस में कुछ भी चेंजेस यहाँ पर जो नहीं हुआ है। और फ़ोन अभी काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, हालांकि हमने फ़ोन को भी ऑप्टिमाइज़ होने का टाइम तक नहीं दिया, बट फिर भी काफ़ी स्मूथली यहाँ पर जो वर्क कर रहा है। सो गाइस, बेसिक सा टेस्ट करके देख लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, 4K में कहीं अटक उटक तो नहीं रही। सो अभी वीडियो जो चल रही है 360 पे चल रही है, अभी इसको स्विच करते हैं हम 1080 पर। सो अभी स्विच करने जा रहे हैं 1080 पर। सो 1080 पे स्विच कर दिया है, और अभी देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली चल रही है, क्वालिटी काफ़ी सही है, और जूम भी कर सकते हैं इसमें, देखो कितना स्मूथली जूम हम कर पा रहे हैं। सो फिलहाल हम 4K पर स्विच करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। सो फिलहाल हमने 4K पर वीडियो को स्विच कर दिया है, और देख लो भाई भाई क्या ज़बरदस्त चल रही है 4K पर। स्किप कर दिया है, वीडियो बिल्कुल भी अटक नहीं रही है, काफ़ी स्मूथली चल रही है। तो कई बार इसको देखने को मिलता है भाई, फ़ोन में जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो वीडियो 4K पर चलते हुए अटकती है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। अभी देखो सर्कल राउंड एंड राउंड घूमने लगा, बेसिकली ये सर्कल घूम रहा है ना, ये वीडियो अटकने का नहीं, बेसिकली नेटवर्क स्लो होने का, नेटवर्क जो स्लो होगा तो इस तरह राउंड राउंड घूमेगा। 4K पे बहुत अच्छी स्पीड चाहिए होती, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है भाई, देखो कितना स्मूथली, और जूम भी कितना कर सकते हैं हम इसमें, जो कि यहाँ पर ये 4K पे वीडियो प्ले हो रही है,
बट जस्ट यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, राइट। तो यहाँ पर यूट्यूब वगैरह चलाने में तो किसी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है। आप लोग फिर भी कमेंट करके जरूर बताएगा जिन लोगों के पास भी है रियलमी का 9 प्रो प्लस, किस तरह की प्रॉब्लम जो अपने फ़ोन में वो फेस कर रहे हैं। सो ये अपडेट आ चुका है, समय अपडेट कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।